दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि दुनिया भर में भारत इतना लोकप्रिय क्यों है? दोस्तों, भारत की विविधता और एकता पूरी दुनिया को इसके प्रति आकर्षित करती है। प्राचीन इतिहास, विविध संस्कृति, अलग अलग धर्मों और भाषाओं की खूबसूरती ने दुनिया का ध्यान इस देश की ओर खींच रखा है। कहीं विशाल समुद्र हैं तो कहीं ऊंचे बर्फीले पहाड़, कहीं घने जंगल तो कहीं दूर दूर तक फैला रेगिस्तान, कहीं मैदानी इलाकों की सुंदरता तो कहीं चट्टानों का आकर्षण, प्रकृति का ऐसा रंग शायद ही किसी और देश में देखने को एक साथ मिले। दोस्तों, हिंदुस्तान की ऐसी कई बातें हैं जो पूरी दुनिया को इसके प्रति आकर्षित करती हैं। यहाँ हम उन्हीं कुछ बातों के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं जिनकी वजह से पूरी दुनिया इस देश यानी कि भारत की कायल है। नंबर एक, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। दोस्तों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। इसका कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक देश में दुनिया की 18% आबादी रहती है। भारत दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले लोकतंत्र के रूप में प्रसिद्ध है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या 911 मिलियन के करीबन थी। नंबर दो, भाषाओं की सबसे ज्यादा संख्या। दोस्तों, भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची आधिकारिक भाषाओं को संबोधित करती है। इसके मूल स्वरूप 14 भाषाएं शामिल थी। 1967 में इसमें 21वें संशोधन के बाद सिंध भाषा को जोड़ा गया। 1992 में 71वें संशोधन द्वारा कोंकणी, मैतई, मणिपुरी और नेपाली भाषा को शामिल किया गया। 2003 में 92वें संशोधन के द्वारा 4 और भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़े गए। भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं में असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मराठी, मैतेई, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू शामिल है। नंबर तीन, शतरंज का आविष्कार। माना जाता है कि शतरंज के खेल का आविष्कार भारत में किया गया था। ऐतिहासिक प्रमाण बताते हैं कि 6वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान शतरंज भारत में एक लोकप्रिय खेल हुआ करता था। भारत से यह खेल फिर अरब और उसके बाद यूरोप के अलग अलग हिस्सों तक फैल गया। नंबर चार, योग की उत्पत्ति। दोस्तों, योग साधना का इतिहास पूर्व वैदिक काल का रहा है। ऐसा माना जाता है कि योग की उत्पत्ति 5000 साल पहले भारत में ही हुई थी। वेदों और उपनिषदों में भी योग का जिक्र मिलता है। भगवान शिव को हिंदू लोक कथाओं का पहला योगी या फिर आदि योगी माना जाता है। नंबर पाँच, सबसे ज्यादा बाघ। दोस्तों, भारत के जंगलों में बाघों की संख्या लगभग 2967 है। यह देश दुनिया के बाघों की 70% आबादी है और दोस्तों, इसकी संख्या देश में तेजी से बढ़ती जा रही है। साल 2018 की बाघ जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार पिछले 12 सालों में भारत में बाघों की संख्या दोगुनी से तिगुनी हो गई है। 2006 में बाघों की संख्या 1411 के करीबन थी। नंबर 6, चार धर्मों की जन्मस्थली। दोस्तों, भारत चार धर्मों, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म की जन्मस्थली है। इन धर्मों की उत्पत्ति भारत में हुई है। इतना ही नहीं, इन धर्मों का पालन अब दुनिया के लगभग 25% आबादी भी करती है। माना जाता है कि जैन धर्म की स्थापना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, जबकि बौद्ध धर्म की स्थापना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। सिख धर्म का इतिहास 15वीं शताब्दी का है, जब इसकी स्थापना गुरु नानक देव जी ने की थी। नंबर 7, मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक। दोस्तों, भारत दुनिया में लगभग 70% मसालों का उत्पादक है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के मुताबिक भारत अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन द्वारा लिस्टेड 109 किस्मों में से लगभग 75 मसालों का प्रोडक्शन करता है। इसके अलावा देश को मसालों के सबसे बड़े उपभोक्ता और निर्यात के रूप में भी जाना जाता है। यह अमेरिका, थाईलैंड, वियतनाम और बांग्लादेश सहित कई देशों में मसालों का निर्यात करता है। नंबर 8, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री। दोस्तों, भारत की फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां हर साल सबसे ज्यादा फिल्में बनाई जाती हैं। फिल्मों के मामले में इंडिया फिल्म इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। भारत हर साल हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में 1500 से 2000 फिल्में बनाता है। नंबर 9, मस्जिदों की सबसे ज्यादा संख्या। दोस्तों, भारत अकेला ऐसा गैर इस्लामिक मुल्क है जहां पर
3 लाख से ज्यादा सक्रिय मस्जिद हैं। यह देश दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद वाला देश भी है। कई इस्लामिक देशों में भी भारत की तुलना में मस्जिदों की संख्या काफी कम है। नंबर 10, आयुर्वेद की उत्पत्ति। दोस्तों, आयुर्वेद की उत्पत्ति भी भारत में हुई थी। कहा जाता है कि वैदिक गुण के दौरान भारत में आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई थी। दोस्तों, आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और एक लाइक जरूर कर दें। अगर दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।